करते हैं अपनी नेक्स्ट चीज की तरफ, वो है कि अगर आपको कोई इंटर्नशिप करनी है अलॉन्ग विद योर कॉलेज या अलॉन्ग विद योर पढ़ाई, तो आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हो या फिर लोग कैसे मैनेज करते हैं। सो उस केस में ये होता है कि हमारी इंटर्नशिप दो तरीके की होती है। पहली हो गई आपकी इन ऑफिस इंटर्नशिप, जिसमें आपको ऑफिस में जाना है, लोकेशन पे जाना है, वहां जाकर काम करना है। दूसरी होती है आपकी रिमोट इंटर्नशिप्स, जिसमें आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, अपनी लोकेशन से ही आप सारा काम कर सकते हो। तो होता यह है कि स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि आफ्टर योर ऑड सेमेस्टर आपके पास 15 दिन का ब्रेक होता है, एंड इवन सेमेस्टर के बाद कितना, 2 महीने का अराउंड 50 डेज का ब्रेक होता है। तो ज़्यादातर बच्चे जो ये 50 डेज होते हैं ना, समर ब्रेक वाला सीन जो होता है, उस टाइम पे करते हैं अपनी इन ऑफिस वाली इंटर्नशिप, और जो आपका विंटर ब्रेक होता है 15 डेज वाला, उस टाइम पे करते हैं अपनी रिमोट इंटर्नशिप्स। बट यहाँ से एक टेक अवे ये होगा कि जो रिमोट इंटर्नशिप्स हैं वो आप कभी भी कर सकते हो, क्योंकि आपको वो घर से करनी है, राइट? तो आप वो उसको पूरे साल में कभी भी कर सकते हो, एंड वो बहुत ज़्यादा पॉसिबल होता है मैनेज करना। उसमें कुछ नहीं है, आपको अपने टाइमिंग्स जो हैं काम के वो आफ्टर कॉलेज रखने हैं, दैट इज़ की दोपहर में या फिर शाम में या फिर रात में, क्योंकि वो रिमोट इंटर्नशिप्स हैं, तो इसलिए वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि आप कोई फिक्स्ड टाइमिंग रखो, एंड स्पेशली सुबह का टाइम रखो, ठीक है? तो वो काफ़ी मैनेज हो जाएगा। इसके अलावा लोग क्या करते हैं, कुछ वीकेंड इंटर्नशिप्स भी करते हैं, जिसमें पूरे वो हफ्ते चले जाते हैं कॉलेज, बट वीकेंड्स पे जाके काम कर रहे होते हैं अपना जो भी इंटर्नशिप का काम होता है। बाय द वे, इंटर्नशिप से रिलेटेड मैंने ऑलरेडी 2-3 वीडियोस बना रखी हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एंड ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, एंड आई थिंक सबको एक ना एक बार तो करना ही चाहिए। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट ये करना चाहूँगी कि जो आपको 50 डेज का ब्रेक मिलता है ना, उस टाइम तक वेट मत करो, आप पहले ही अपना ऑफर लेकर रखो, ताकि एक श्योरिटी हो जाए कि आपको उस टाइम स्टार्ट करनी है, क्योंकि इंटर्नशिप मिलने में भी बहुत टाइम लग जाता है। सपोज हमारा ब्रेक होता है मई जून में, तो उस केस में आप फेब तक अपना एक ऑफर लेकर रखो कि आपको ज्वाइन करना होगा मई या जून में। बाकी बात करें अगर रिमोट इंटर्नशिप्स की, तो वो दिन में 2 से 4 घंटे का काम होता है, जनरली दो घंटे का ही काम होता है, एंड उसी हिसाब से वो आपको पे भी करते हैं। सो अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है पार्ट टाइम जॉब्स। हम पार्ट टाइम जॉब को कैसे मैनेज कर सकते हैं? सो इस चैनल पर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाई हुई है रिलेटेड टू अर्निंग, कि आप कॉलेज पर रहते रहते इतने तरीकों से आप कैसे थोड़ा बहुत कर सकते हो। सो उस केस में आप उस वीडियो को जाके भी देख सकते हो, ठीक है? अब हम बात कर लेते हैं पार्ट टाइम जॉब्स के बारे में। तो होता है पॉसिबल, काफ़ी लोग कर रहे होते हैं पार्ट टाइम जॉब्स, या तो वो वीकेंड्स पे करते हैं या फिर वो रिमोट वाली जॉब्स होती हैं। इसमें पार्ट टाइम जॉब्स में एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, वो होती है फ्रीलांसिंग। आई नो कि फ्रीलांसिंग एक जॉब नहीं है, बट मैं इस कैटेगरी में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि फ्रीलांसिंग एक इंटर्नशिप भी नहीं है, राइट? सो इसलिए मैं पार्ट टाइम जॉब्स में खाली अर्निंग के प्रॉस्पेक्ट्स को कवर करना चाह रही हूँ। सो फ्रीलांसिंग आप कभी भी कर सकते हो, एंड तभी उसके जो नेम है उसमें फ्री है, तो जब भी आपको टाइम मिले आप उस टाइम पे उसको कर सकते हो। सो पार्ट टाइम जॉब करना तो बिल्कुल ही पॉसिबल है स्पेशली दिल्ली यूनिवर्सिटी में। एंड उसका मेन मोटिव या मेन रीज़न यही है क्योंकि DU में ना काफ़ी ज़्यादा फ्री टाइम होते हैं। एक बार आप जाओगे ना तब आपको पता चलेगा कि क्यों। सो बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, यानी कि हमारे शौक, हमारी हॉबी हो सकती है, या फिर हम कुछ फोर्सफुली भी सीख रहे होते हैं बट उसको हम एक्स्ट्रा करिकुलर में डाल रहे हैं। सो उस केस में आपके पास है आपकी एंडलेस अमाउंट ऑफ छुट्टियाँ। उसके अलावा आपके पास है एक मेथड है सोसाइटी के थ्रू आप अगर आप जाना चाहोगे, आपका उसमें एक्स्ट्रा करिकुलर वाला पॉइंट भी कवर हो जाता है, एंड सोसाइटी का पार्ट वो भी कवर हो जाता है। सो उस केस में आपके दोनों हाथ में लड्डू होते हैं। सो आप उस केस में ज़रूर जा सकते हो अपनी कोई भी हॉबी परस्यू करने के लिए। इसके अलावा बच्चे कॉलेज में भी कर रहे होते हैं, वो ऑब्वियसली फिर क्लासेस मिस करके करते हैं कि पूरे दिन क्लासेस मिस करी, एंड उस केस में अपने हॉबी को या फिर अपना जो कहते हैं ना पैशन काइंड ऑफ, उसको परस्यू करते हैं। सो मैंने देखा है दिल्ली यूनिवर्सिटी में ऐसा होता ही रहता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट चीज़ के बारे में, जो कि है हमारे एंट्रेंस एग्ज़ाम्स। भाई एंट्रेंस एग्ज़ाम्स को कैसे मैनेज करें अब ये बताओ, क्योंकि अभी तक तो बाकी चीज़ें तो थोड़ी फन काइंड ऑफ थी ना, बट ये भी पढ़ाई है और कॉलेज की पढ़ाई भी है, तो चलो मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करती हूँ। पहले एंट्रेंस एग्ज़ाम में यहाँ पर कंसिडर करूँगी एक्चुअरियल साइंस का जो होता है। सो उस केस में आपके पास कोई चॉइस नहीं है, बट वो आपको कॉलेज के साथ साथ ही मैनेज करना होता है। एंड जितने भी लोग एक्चुअरियल साइंस परस्यू करते हैं वो अपनी कॉलेज की डिग्री के साथ, स्पेशली ज़्यादातर मैथ्स ऑनर्स और स्टैट्स ऑनर्स वाले बच्चे ही कर रहे होते हैं ज़्यादातर। सो उस केस में अपनी कॉलेज के साथ ही क्लासेस को मिस कर
वो लोग प्रिपेयर करते हैं, या फिर जब एग्ज़ाम होता है उससे एक महीने पहले तक वो बिल्कुल आना बंद कर देते हैं और उससे हो जाता है। अब बात कर लेते हैं बाकी एंट्रेंस एग्जाम्स के लिए। जैसे कि हमारे दो पॉपुलर एंट्रेंस होते हैं, एक होता है हमारा MBA का एंट्रेंस यानी कि कैट और जितने भी उसकी फैमिली है पूरी, और दूसरा हमारे MSc यानी कि मास्टर्स इन साइंस, या फिर आप मास्टर्स कह सकते हो इन जनरल अपने सब्जेक्ट में, उसके एंट्रेंस होते हैं। सो इस केस में आपको स्टार्टिंग से प्रिपेयर करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। एंट्रेंस का यही मोटिव होता है कि आप किसी भी एंट्रेंस को 6 मंथ्स में क्लियर कर सकते हो, जो भी ऐसे वाले होते हैं। बट जो बच्चे हैं वो यूजुअली 1 साल पहले प्रिपेयर करना शुरू कर देते हैं, दैट मीन्स कि अपना 3rd ईयर स्टार्ट होते ही वो लोग लग जाते हैं प्रिपरेशन में। उस केस में क्या होता है कि वीकेंड्स उनके उसी प्रिपरेशन और कोचिंग में जा रहे होते हैं, अगर कोचिंग लगाई होती है, और उसके अलावा जो आपके नॉर्मल डेज होते हैं उसमें 1-2 दिन छुट्टी हो जाती है। तो ऐसे बच्चे कर रहे होते हैं मैनेज अपनी MBA या MSc ऐसी वाली एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी को, एंड आई गेस हो जाता होगा इतने से ही। सो इतना ही था आज की वीडियो में। मैंने सोचा था कि एक बार ही सारे पॉइंट्स को ऊपर ऊपर से टच कर दूँ, कवर कर दूँ। सो अब वो जॉब डन है, तो अब डिटेल में हर पॉइंट के बारे में वीडियोस आएंगी। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ वीडियो को देखना है एंड उसके लिए चैनल को कर देना है सब्सक्राइब, और जो नोटिफिकेशन बेल होती है उसको प्रेस कर देना ताकि आपको टाइम पर वीडियोज़ का पता चल जाए। ये नहीं कि आप 1 महीने बाद घूम के आ रहे होंगे कि देख रहे होंगे अब कितनी वीडियोज़ मतलब आपकी रह चुकी हैं देखनी। ओके, और वीडियो को लाइक कर देना अगर आपको पसंद आई हो। एंड जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, एक काम करो, प्लेलिस्ट पे जाओ या फिर सारी वीडियोस करके करके देख लो जो आपके मतलब की हैं, जितने भी वीडियोस आपके मतलब के फटाफट से जाके देख लो ताकि कोई इन्फॉर्मेशन मिस ना हो जाए। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।